कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के मुताबिक आलाकमान का ये मानना है कि अगर गहलोत पायलट के साथ मिलकर चलते तो वो विधानसभा चुनाव आसानी से जीत जाते, लेकिन गहलोत को अपनी चालें चलने से और पायलट पर बयानबाजी करने से ही फुर्सत नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी का कहना है कि हार की जिम्मेदारी जल्द ही तय करनी होगी, क्योंकि इसका असर कहीं ना कहीं पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा, जिससे पार्टी में एक गलत मैसेज जाएगा और जिसका प्रभाव आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। बता दें, पार्टी के एक नेता ने कहा कि हम इस संकट की घड़ी में गहलोत से उम्मीद करते हैं कि वो राजस्थान में खींचतान करने के बजाय शालीनता से पार्टी का सहयोग करे। हम आशा करते हैं कि गहलोत ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे पार्टी को कोई नुकसान झेलना पड़े और पार्टी की छवि खराब हो। हम चाहते हैं कि गहलोत अब पार्टी की विचारधारा और मूल्यों के प्रति अपने निष्ठा का प्रदर्शन करे और आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में सकारात्मक योगदान दे। आगे नेता ने कहा कि पिछले साल जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक गहलोत की वजह से नहीं हो पाई थी, उसे हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि बैठक सिर्फ गहलोत की वजह से नहीं हुई थी। बैठक नहीं होने का कारण ये था कि गहलोत अपने विधायकों के साथ बैठक में उपस्थित नहीं हुए थे। वही आपको बता दें, सूत्रों से आई खबर के अनुसार आलाकमान राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राज्य से बाहर भेजकर केंद्रीय स्तर पर कोई भूमिका निभाने के लिए कह सकते हैं, इसीलिए गहलोत को अब खुद को पार्टी के सामने प्रूव करना पड़ेगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्देका मनोहर आपके साथ, शुक्रिया।